welcome back to my YouTube channel. This is me, Vanya Saleem. So welcome to my YouTube channel, One Traveling World. So dosto, today I am coming to Kolachi Dodaria restaurant, which was located in Clifton Block 9, nearby Sevio. So yahan par aapko ek dafa zarur visit karne chahiye. Ye apne ambiance aur khane aur location aur night views ki wajah se bahut zyada famous hai. तो और यहाँ पर वेटिंग भी बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले टाइम लेना पड़ता है. 1 आवर की वेटिंग, 1.5 आवर की वेटिंग आपको करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत मुश्किल से आपको मिलती है टेबल्स खाने के लिए. सो दिस इज़ अ स्ट्रीट व्यू, नाइट स्ट्रीट व्यू ऑफ कराची दोदरिया रेस्टोरेंट. तो रात में देखिए खूबसूरत कितना लग रहा है ये रास्ता. सो हमने आगे भी जाकर देखा, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर नज़दीक में. आपको नियरेस्ट लाइन में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट एक साथ ही मिल जाएंगे, जिसमें आपको वेटिंग भी ज़्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ा कम होगा और उनका खाना भी डिफरेंट होगा. बट कराची अपने खाने और एम्बियंस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है कराची में, स्पेशली दोदरिया रेस्टोरेंट जहाँ पर. सो फ्रेंड, दिस इज़ आउटसाइड व्यू ऑफ दोदरिया कराची रेस्टोरेंट. तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं. अब हम जाएंगे यहाँ से अंदर और चेक कराएंगे आपको अंदर का व्यू. तो देखिए, दिस इज़ किचन. ये यहाँ का किचन है, यहाँ पर सारा खाना वगैरह बनता है. और एंड दिस इज़ आउटसाइड व्यू ऑफ द ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट कराची. तो यहाँ पर लोग बैठकर वेटिंग एरिया बाहर है, सोफा वगैरह रखे हुए हैं, वहाँ पर आप वेटिंग बैठ कर सकते हैं. और अगर आपकी थोड़ी बहुत वहाँ पर जान पहचान है तो आप जाकर डायरेक्टली भी टेबल ले सकते हैं. जिस तरह से मेरे भाई का मैनेजर यहाँ पर जाने वाला है, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा अंदर जाने के लिए. और तो दिस इज़ आवर टेबल, सी द ब्यूटीफुल व्यू. अगर आप यहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करना चाहिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के और लव वंस के साथ. सो हमारा खाना फाइनली आ चुका है. हमने ऑर्डर किया था आर्यन और आहान के लिए सैंडविच, अपने लिए कढ़ाई, रान एंड प्रॉन्स और फिश, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी. उनका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी और रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा आराम से. आप सो ये रहे आर्यन और आहान, सो दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द रेस्टोरेंट. इनको कहीं पर भी खेलने का मौका मिलेगा, छोड़ते नहीं है. और लोगों ने देख लिया वहाँ का फ्रॉग, तो ये फ्रॉग के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगे थे. सो इस रेस्टोरेंट में मिलेंगे आपको 600 टेबल्स, जो कि सब के सब बुक होते हैं. यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस बुक के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग होती है, आगे प्रोसेस आपको खाना मिलता है. तो हमने फाइनली खाना खा लिया है और अब हम निकल चुके हैं घर के लिए. तो इससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि कराची का ऊपर से सब टॉप व्यूज़ कैसा है. ये रेस्टोरेंट अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा कराची में फेमस है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट रेस्टोरेंट इन दोदरिया कराची सीवीओ पर. तो ये पहला रेस्टोरेंट है जो सीवीओ पर ओपन हुआ था. तो अब तो काफ़ी सारे ओपन हो गए हैं, बट इसकी खूबसूरती अभी भी बहुत ज़्यादा है सबसे एज़ कम्पेयर टू अदर वंस. यहाँ पर बर्ड्स भी आते हैं, जो कि आज हमें नज़र नहीं आए, क्योंकि आज बिकॉज ऑफ वेदर, क्योंकि कराची का वेदर काफ़ी ज़्यादा हॉट हो रहा है आजकल, 40 तक टेम्परेचर जा रहा है. तो अपना और अपने पैरों का ज़्यादा ख्याल भी रखिए. सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि आपको आई होप अच्छी लगी होगी. सो इफ़ यू वांट मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और डू कमेंट्स ऑन इट. तो अब बज गया है रात का 1 और रेस्टोरेंट हो गया है बंद. से काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और ब्यूटीफुल प्लेस है, आपको विज़िट ज़रूर करनी चाहिए. सो
अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।